एडिंग न्यू कस्टमर्स, आपको नए ग्राहकों को जोड़ना होगा, क्योंकि अब आप क्या हो, लीडर हो। जितने कस्टमर्स को डायरेक्ट जानते थे सबको दे लिया, अब कई पत्ते की माँ का समूह लेके बैठा, अब कौन ना बेचा। अरे सोचने से काम होगा। दुनिया में कोई चीज़ बदलती है, देखो जिस दिन जियो आया था ना, तबाही मचा दी, लुट गई कंपनियां, बर्बाद हो गई कंपनियां, आइडिया उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, और एक अकेला बेचारा कुछ संघर्ष कर रहा था, उसका नाम था एयरटेल। फिर भी लोग रोज पोर्ट, लोग रोकिन एयरटेल के, चाहे साला में, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं टिका रहूँगा। तो टावर हिल गए सारे, जियो के सामने हाथी था वो। तो आज एयरटेल का नेटवर्क और जियो के नेटवर्क की दोनों की क्वालिटी चेक कर लो, और आज परिवर्तन चेक कर लो। अगर उस दिन एयरटेल ये रो रहा होता कि सारे ही ले गया ये, तो मैं भी मरूं, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर जिंदगी में आपको ये विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता प्रकृति दिखाएगी, या दुश्मन कुछ ना कुछ गलती करेगा, या तो हमें कोई प्रकृति हेल्प करेगी, या सामने वाले को कोई प्रकृति समझाएगी, ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे आप में से जो लोग कह रहे हैं अब कस्टमर कहाँ से लाएं, अब ये कोई टूथपेस्ट थोड़ी है जो एक को 3 बार बेचे हैं, प्लॉट है ये, करें क्या? तो क्या करें, अपने भीतर झांको, और वो कौन सी चीज़ है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बनाया, वो सीखो। उसने अपनी ज़िंदगी के रिसोर्सेज को जब जब प्रकृति ने मदद की, टेक्नोलॉजी ने मदद की, एक्सपेंड किया। क्या एक्सपेंशन किया? ग्राहकों को खोजने का पहला तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है उसमें आपने कर क्या रखा है, आपकी इमेज आपके उस अकाउंट पे कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने उस पर छिछोरी हरकतें कर रखी है, पुछियाँ डाल रखी है, वो कर रखे हैं, और फिर आप कह रहे हैं ले ले JD अप्रूव्ड, वो कहेगा तू ही खुद ही हो जाए अप्रूव्ड अभी। तो कहने का मतलब अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है ना, कचरे को साफ कर दो, सारी पोस्टें जो छिछोरी हरकतें की है सब बंद कर दो। उसे एक बिजनेस अकाउंट बनाओ, वो एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया के सॉफ्टवेयर सूंघ रहे हैं आपके अकाउंट्स को, वो देख रहे हैं आपकी पोस्ट कैसी होती है और वैसा ही परोस रहे हैं। जिस दिन आपका सोशल मीडिया अकाउंट धीरे 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 एक विशेष चीज़ को प्रमोट कर रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम, गूगल का प्लेटफॉर्म आपका रिकमेंड करने लग जाएगा। उधर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा होगा, इधर आपका अकाउंट की बातें, कोडिंग, और यहाँ का एल्गोरिदम वहाँ से टच करेगा। बदलाव करो, बदलाव करो। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, बदलाव के साथ बदलना ज़रूरी है। आपको टेली मार्केटिंग में आपकी वो कॉलिंग जो मार्केट की जाती है, वो SMS भी हो सकता है, वो स्प्रेड किया जा सकता है। मैंने ARG मॉल में 2 ऑफिस जब खरीदे थे, मेरा धोबी अखबार डाल के देता था कपड़ों के बीच में, उसमें आया था वो, कुछ समझे? कपड़ों के बीच में अखबार दे देते ना कभी कभी, ऐसे आवाज़ें आएंगी तो अच्छा लगेगा उसको, जैसे बहुत अच्छी प्रेस है। तो एक छोटा सा टुकड़ा आया था और उसमें मैंने 2 ऑफिस लिए थे राजेश जी, एक अखबार का टुकड़ा। मतलब अब आपको पहुंचना है, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक दिन मैं गया था कलकत्ता मार्केट में, आपके एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव थे, मैंने पिछली मीटिंग में भी उनको बोला था, अभी तो शायद वो यहाँ नहीं है ना, हाँ वो उनमें होंगे आपके 1000 से नीचे वाले गज में। टेली मार्केटिंग एक ऑप्शन है, सोशल मीडिया एक ऑप्शन है, मेल मार्केटिंग एक ऑप्शन है। अरे रे, हर आदमी के पास मेल है, हर आदमी के पास। आपको डेटा ही तो परचेज करना है और एक अच्छा सा मैसेज बना के स्प्रेड करना है। और छोटी सी घटना से असर हो जाता है भाई साहब, लिखने का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूँ मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया, ओके। अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारा दिन। तो एक सज्जन वहाँ से गुजरा, तो उसने कहा यार मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी, क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूँ। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया, तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फ़र्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूँ मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। अरे दोनों बातें एक जैसी, लेकिन कमाल हो गया। पहली में उसकी मायूसी झलक रही थी, उसकी अंदर से आत्मा हारी हुई झलक रही थी। अब वो आपको एहसास करा रहा है, अरे कि मैं तो नहीं देख सकता, तुम देख सकते हो, इस दिन का आनंद ले लो। अब वो वैल्यू एड कर गया, अब उसने मैसेज दे दिया। इसीलिए तो दे रहे थे, अरे यार तुमने हमें याद दिलाया कि तेरे पास नहीं है, हमारे पास है, तो हम इस खूबसूरती को देख तो नहीं पा रहे। मेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, वो जो भी आपकी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज रहती है। मेरे पास है ओवरऑल सामान्य जनरल साइंस जो लोगों को सेल्स में हेल्प करती है। इनमें से आप कौन सा उठाओगे जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता हो, जो आपको कोल्ड कॉलिंग रिजल्ट देती हो, आपको अनजानों से बात करना रिजल्ट देता हो, डेप्थ में बात करना रिजल्ट देता हो, रेफरेंस से बात करना रिजल्ट देता हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, रोज़ इस दर्द से गुजरो, ये जो कोल्ड कॉलिंग का दर्द है ना, इससे गुजरो। इसमें उस इंसान से बात करते हो जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसका ना हाइट पता, ना वेट पता, ना रंग पता, ना ओहदा पता, कुछ नहीं। इससे जो गुजरता है ना, वर्षों बाद फौलाद बन जाता है, फौलाद जो इनसे गुजरता है। और जो इनसे गुजरता है, वेबसाइट और ब्लॉग। सिंपल, यूट्यूब से पूछोगे ना वेबसाइट कैसे बनाएं, ब्लॉग कैसे बनाएं, किससे पूछो? यूट्यूब पे। ऐसा हीरालाल जी, उसमें तो आजकल लिखने का भी झंझट नहीं है, उस पर ऐसे वेबसाइट कैसे बनाएं, तो इसमें तो लफड़ा ही नहीं है हीरालाल जी। ब्लॉग कैसे बनाएं वो बताएगी, आपको तो बताएगी, हम सबको बताएंगे। लेकिन जिसको जिस लैंग्वेज में समझ आए, हाँ ये सच है, मजाक कर रहा हूँ, समझ में आई बात। आपका वेबसाइट रहना चाहिए फ्री, कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे 5 मिनट में, बस पूछना है गूगल से। आपको ये पता है कि नहीं, दुनिया में जो कुछ रास्ता कहीं नहीं मिले तो गूगल देव रास्ता बताता है। अपने बाथरूम में जो सिस्टर्न होती है ना, सिस्टर्न, टॉयलेट की सिस्टर्न, वो एक दिन मेरी ख़राब हो गई। मैंने देखा यार प्लम्बर को बुलाऊंगा, पहले एक बार पूछ तो लो गूगल से, क्योंकि मुझे उसमें सिस्टम ही नहीं पता अंग्रेजी में, साला ये खुलती किधर से, खुलने का ही नहीं दिख रहा था कुछ। सिस्टम को कैसे ठीक करें, इमीडिएट आया, पहले इसको ऐसे करें, वो जो दबाते हैं ना अपन, उनको ही उठा लें। उठाते ही उर्रे का पेच क्यों उड़ रहे भाई, वो बोल होती है ना, बोल, वो नाटक कर रही थी खाली, उसको मैंने ठीक हो गए, वो काम खत्म, प्लम्बर की जरूरत नहीं। अगर प्लम्बर आता तो 500 रुपये ले जाता। मैं तो ज़िंदगी प्रैक्टिकली जीता हूँ भैया, जो करता हूँ वो आके बताता हूँ, और मेरी ज़िंदगी को वही फ़ायदा देती है, आपको भी शायद वही फ़ायदा देगी कि पल पल ज़िंदगी में ज्ञान मिलने को तैयार है। बस आप पूछ लो, गूगल से पूछ लो वेबसाइट कैसे बनती है। कोई आप में जो सबसे कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ है ना, वो 5 मिनट में बना लेगा, लेकिन पूछना है। सूझे से बूझे भला, ये वीडियो भी है मेरा, सूझे से बूझे भला, उसका टाइटल है लल्ला लाडू। वो लल्ला लाडू अलग है, उसमें बहुत तगड़ी चीज़ है। व्यापार प्रदर्शनी और मेले में जाकर बड़ी एग्जीबिशंस होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। बड़े एग्जीबिशंस, बड़े फेयर्स, वहाँ पे अपनी स्टॉल लग सकती है। भाई साहब जितना बड़ा खुद का व्यापार समझोगे वैसा ही व्यापार बनेगा। अखबार, मैगज़ीन और जितने भी औद्योगिक ग्रुप हैं और समूह हैं, उनसे जुड़ जाओ। अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, कसम पैदा करने वाले की, बताना इनमें से किसी 2-4 पे कोई कमांड हासिल कर ले हुए उसकी लिस्ट कभी ख़त्म होगी क्या? उसका मुंह कभी पत्ते की माँ का सा होगा क्या? अब ये मत पूछना हुईज पत्त्या, ये मैं भी बचपन से सुनता रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी नहीं पता। लेकिन मायूस नहीं होगे और आपका नई लिस्ट बनती जाएगी। अरे एक अच्छी जगह पे, लोकेशन पे जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम हेल्थ बनाने के लिए नहीं, वहाँ की अच्छी जेंट्री आएगी उनसे मिलने के लिए। किसी क्लब में शामिल हो सकते हो नई लिस्ट के लिए। कुल मिला के आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपने आप को एक्सपेंशन करने के तरीके भी आपको ही खोजने होंगे जो आपको मिल सकते हैं।